अरे तो क्यों कूद रहा है, क्यों नाच रहा है तू? सो गाइस ये देखो एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट है टिफिन में, लंच बॉक्स में। इसको क्या ले जाने की? राजमा चावल ले जाने की एक्साइटमेंट है ये। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं सच्ची में ही। और मैं आरुके कर देती हूँ चावल। आरती कितना एक्साइटेड हो रहा है आरु। हाँ। और यहाँ कल उस लड़के के साथ तेरे को अच्छे लग रहे हैं वो? कहाँ लग रहे हैं? राजमा और ये चावल। ये मैंने सुबह सुबह बना दी आलू गोभी, आलू मेथी, सॉरी आलू मेथी। और यहाँ राजमा चावल मिक्स हो रहे हैं। और नानू का टिफिन लग चुका है, नानू चला गया है। जानू और आलू का होता है सेम टाइम, मतलब तो स्कूल अच्छा होता है। स्कूल अच्छा होता है ना? और कल छुट्टी है ना, कल हॉलीडे है। संडे, संडे को करेंगे फंडे। मोटा नहीं होगा। चल आरु जा रहा स्कूल। नहीं होएगा, आजा गोदी उठा लो इसको। सूर्यनारायण भगवान की जय। आज तो मौसम ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। आरू के बगैर बस जा नहीं सकते है ना। आरू आरू दादा है बस का। आरू बाय करो। सो गाइस मैं आरू को ला चुकी हूँ स्कूल से, तो आ गया है आरू। और अब हम जा रहे हैं दोबारा आरू के स्कूल, क्योंकि आज पीटीएम है। और नानू का भी नहीं देखते। और नानू की भी आज पीटीएम है, क्योंकि नानू का रिजल्ट आ रहा है प्री बोर्ड का। और आरू के लिए भी पीटीएम में जाना है, अब स्कूल जाएंगे। और आरू देखो, आरू भी हमारे साथ जा रहे हैं। और आरू ने देखो ये लुक कर रखा है अपना जाने का, और तैयार होके जाएगा अगला, टिट फिट होके। देखा इधर है, कहाँ जा रहा है? चार, ये रहा आरू का स्टार। और आरू का स्टार ये रहा। कितने मार्क्स आए हैं? 9.5, 10 में से। ये आरू का स्टार। और आरू क्या पता है तेरे को, फिर आधा मार्क्स मैम ने कहाँ काटा है पता लगा तेरे को? क्योंकि तूने एल देख, ये ऐसे होता है एल, और तूने एल उल्टा लिख दिया, इसलिए तेरा आधा मार्क्स कट हो गया। चल रॉक्सी, इसलिए हुआ है। और तेरे को मिला स्टार। आज मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। आपको मैं स्कूल दिखाऊंगा और क्लास भी दिखाऊंगा। दिखाएगा? तेरी क्लास का क्या नंबर है? कितने नंबर तेरी क्लास है? 18 है क्या? रूम नंबर 18। चल चलते हैं। और किस में जा रहा है तू? इतने दूर जाना पड़ता है। गाड़ी में जा रहे हैं? पापा को आवाज लगा। कौन कौन जा रहा है तेरे साथ? हैं और कौन जा रहे हैं? पापा भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो? जा रही, क्योंकि आरती लेटी हुई है। आरती की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, आरती के पेट में दर्द हो रहा है। और कहाँ चलना है? कौन से स्कूल? कौन नाम है तेरे स्कूल का? टाइम क्यों नहीं मिल रहा तुम्हारे को? काम हो जाता है हमारे आजकल। हुड्डा में एंटर नहीं होता तू? अच्छा पहले छोटे होते थे तो शौक होता था, निकाल नहीं होता। छोटे होते थे जैसे कोई छोटे में गाड़ी चलाने लगे थे तो। और क्या, हमारे तो मैंने तो देखी अपने। हाँ, कौन सी जैन के? कौन सी गाड़ी देखी है? गाड़ी तो गाड़ी होती है, जैसे जैन हो जाए कोई भी हो। दे बस यहाँ से मोड़ लो, आरू का स्कूल आ गया बस। आरू को कुछ भी नहीं पता। सो गाइस जाया है स्कूल।
व्लॉग मैंने बनाया नहीं क्योंकि बनाने का था ही नहीं वहाँ। शिकायतों पे शिकायतें हैं, इधर आरू की शिकायत, इधर नानू की शिकायत, शिकायतों पे शिकायतें सुन सुना के आगे। मैं तो नहीं जाता अगली बार। आरू नाराज हो गया, मास्क उतार दे आरू। पागल है, पागल है, कह दो ना इसको ये करना है तो करना ही है, छोटा को नहीं। फिर अब इसको कितना कह ले, अब इसको यूं कह दो पढ़ ले, वो को नहीं हो भाई इससे। मैं दिखाता हूँ, मैं ठीक है दिखाता हूँ। करूँ क्या? नहीं कर लिया, देखो मेरी उंगली तो नहीं दिख रही। नहीं, हाय गाइस, मेरा बेटा व्लॉगिंग कर रहा है। आप क्या बना रहे हो? मैं आपके लिए परोठा बना रही हूँ, आपको खाना है परोठा? मुझे कोई नहीं खाना, अब मुझे तो चावल नहीं देते। आपकी माँ आपकी तबीयत ठीक है? अरे तो दिखा के लाया था ना डॉक्टर के, उसके बाद ठीक हुई है मेरी तबीयत। मम्मा आप इधर काम क्यों कर रहे हो? फिर बाबू तेरे को खाना मेरे हाथ का ही पसंद आता है ना, फिर खाना भी तो बनाना। खाना नहीं बनाना बता, क्या कर रहे हो तुम? मम्मी ने टीवी कैसा बनाया है, धनिया की चटनी दे दो। दे दो आई की कर देना। डॉग जी बादाम बादाम ये है भाई, क्या कर रहा है डॉग जी? तू क्या कर रहा है दिखा, तूने तो लोटी नहीं खाई। गाइस ये आरो आरो शर्मा, मैं ब्लॉगर दीदी का बेटा हूँ। क्या ब्लॉगर दीदी का बेटा है तू? अच्छा, स्कूल में रोज चावल लेके जाएगा? हाँ, सारे दोस्तों में कहूँ मैं चावल लाया हूँ। सारे दोस्तों को दिखाएगा तू चावल लाया है? अच्छा, तो चावल अच्छे लगते हैं इधर को? हाँ। चावल और राजमा है। सो गाइज आज आने वाले हैं पूनम के बहन और जीजा, जो हमें भी मतलब बहन ही मानते हैं उसके जिया जी, और मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर बाद। वो भी आए नहीं है, आएंगे जब मिलवाती हूँ मैं आपको, इसीलिए आज हमने सारा घर क्लीन कर रखा है। ये देखो और ये देखो, और ये रोक्सी देखो कैसे एक्साइटेड हो गया, अभी उनका अचानक ही फ़ोन आया था कि हम नारनौंद आए हुए हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा मम्मी का पता करने आएंगे, तो इसलिए आएंगे वो, देखते हैं। ये है मेरी भाभी, मिलवाती हूँ आपको, मिलवा देती हूँ। नहीं नहीं भाभी आते तो खिंचवाओ फोटो। ये भैया जो वादा किया था, भैया ने हट जाने के बाद आऊंगा पूरा किया है। अच्छा भैया देख जानो यू कह था, मैं भैया की बाइक को एक चक्कर काटूंगा, अगली बार कटवाऊंगी फिर। कह तो ना, अब तो कौन कटवाऊंगा, तो लेट हो जाओगे। ले मैं पकड़ू, बैठ जा आराम से। ले ठीक है भैया, आपकी बात पक्का आ जियो। कब पहले आए थे? अब लोग ना आए थे। हाँ आए थे, याद है तेरे को? अब कौन कौन आएगा? अब नानी भी। तेरे को खुशी हो रही है? नानी आएगी कल है? हर्ष मामा की याद आ रही है, फिर तो भगवान जी से कह देता भी हर्ष मामा को भेज दो। वो रखेंगे हैं? रखेंगे वो। किसको रखेंगे? भगवान जी। भगवान जी किसको रखेंगे? हर्ष मामा को। क्यों? आने जाने नहीं देंगे ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। फिर डुगू भी तो आ रहा है, डुगू को याद आ रही है। कौन करते थे ऐसे? कौन करता था ऐसे?
तेरे साथ खेलते भी थे ना, फोन भी दिखाते थे तेरे को, बाइक पे भी घुमाते थे। तेरे को याद है वो मार्केट गए थे, तू हर्ष मामा की बाइक पे बैठा था। हाँ सर, बाइक बंद हो गई थी। याद है, याद है। मुझे लगता मुझे अब सर मुझे अब याद आ रही है, अब से लग रहे हो। अच्छा, सो गाइस देखा होगा आपने हर्ष को कितना याद करता है यार वो, और इसी चक्कर में हमारा थोड़ा सा मूड ऑफ होता है तो हम व्लॉग भी नहीं बना पाते। और अब तो आरू 2-3 दिन से जिद लगा के बैठा है कि हर्ष मामा को बुला लो, हर्ष मामा की याद आ रही है, हर्ष मामा की याद आ रही है। वैसे इसको थोड़ा पता भी है कि भगवान जी के पास चला गया है सब कुछ करके, पर बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, जो मुँह में आए वो बोल देते हैं। सो गाइस इस व्लॉग को मैं ही एंड करूंगी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।